मनमानी पर उतारू। जिले के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर पेरेंट्स का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को इसी की झलक पेश करते हुए लगातार दूसरे दिन पेरेंट्स ने जिला प्रशासन के समक्ष अपना रोष जाहिर किया। इस दौरान राजेंद्र चुग, स्वाति, सानिया, भूपेंद्र कौर, विधि, नम्रता, मोहित कोहली, सिमरन, उदयवीर, सारिका सिंह, अनुज, राजवीर सिंह, रचना टकर, साहिल, अंजू सहित दर्जनों पेरेंट्स ने एक स्वर में कहा कि जिस प्रकार तमाम स्कूलों में लगातार फीस स्ट्रक्चर में बदलाव के साथ ट्रांसपोर्ट फीस में भी बढ़ोतरी की जा रही है, उससे उनके लिए फीस चुका पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसे देखते हुए और उनकी परेशानी को समझते हुए जिला प्रशासन अपने स्तर से हस्तक्षेप करे और प्राइवेट स्कूलों को मनमानी से रोकते हुए जल्द से जल्द उन्हें राहत पहुंचाए। वहीं अपर जिलाधिकारी HB सिंह ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनने के साथ ही आश्वस्त किया कि वे गाइडलाइंस के आधार पर ही कोई कदम उठा सकेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि जितना भी संभव हो सकेगा प्रशासनिक स्तर पर पेरेंट्स की बात को सुना जाएगा और भरपूर मदद भी की जाएगी। पूरे शहर के अंदर जिस तरीके से स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल के ब्याह पर, स्कूल के ड्रेस के ब्याह पर, चाहे बच्चों की स्कूल की कॉपी और किताबों के माध्यम से, या जिस तरीके से योगी सरकार ने ये कहा है कि एनुअल चार्जेस नहीं लगेंगे, एडमिशन फीस नहीं लगेगी, वो उन्होंने कंपोजिट फीस के माध्यम से उसको इंक्रीमेंट कर दिया, ऐड कर दिया, हर चार्जेस को 25-30% बढ़ा दिया गया है। स्कूल और जो यहाँ पे गली गली मोहल्ले में जो स्कूल बन गया है, ये दो स्कूल है, ये एक उद्योग बन गया है। हर जो स्कूल है वो एक अपनी इसलिए इंडस्ट्री चला रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पैसे कमा रहा है, किताबों के माध्यम से पैसे कमा रहा है, ड्रेस के पैसे माध्यम से कमा रहा है। आज हमारी जो बैठक हुई है अपर जिलाधिकारी महोदय के साथ में कि ये की बातचीत है, इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो 2015-16 का शासनादेश है उसके अनुसार हुआ, अगर ये कार्य नहीं हुआ, ये कार्य नहीं हुआ तो पूरा शहर इस तरीके के खिलाफ पूरा जन आंदोलन करेंगे, जिससे सारे स्कूल जो अपनी मनमानी कर रहे हैं वो अपनी मनमानी ना कर सके। आज पूरे प्रदेश में चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे मेरठ हो, सभी के अंदर सभी जिलाधिकारी महोदय ने इस पर रिलीफ दिया है और इसको 2015-16 को इम्प्लीमेंट कराया। यहाँ कभी नहीं रुकता खबरों का सिलसिला, देखते रहिए सिटी वेब न्यूज।